सो गुड इवनिंग गाइस, फिर से एक नया एडसेंस के साथ नया वीडियो लेके आया हूँ गाइस। आज मैं पूरा का पूरा वीडियो होने वाला है मेरा एडसेंस लोडिंग के ऊपर। गाइस एडसेंस लोडिंग कैसे होता है, किस तरह होता है, उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। कितना रिस्क फैक्ट रहते हैं उसके बारे में चर्चा करने वाला इस वीडियो के अंदर। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए ताकि इसमें जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ गाइस आप लोगों का शायद ये काम में आ जाए। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो के स्टार्ट करने से पहले एडसेंस के ऊपर रिफ्रेश करके देखता हूँ, जैसे कि मैंने हर वीडियो के अंदर देखा देता हूँ गाइस। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख सकते हैं मेरा एडसेंस, ये स्कास्ट का रेवेन्यू है $13 एंड यस्टरडे रेवेन्यू है $17 एंड गाइस 7 दिन का रेवेन्यू देखी पा रहे आप। ठीक है, और दिस मंथ का जो हुआ है वही है क्योंकि मैंने इस महीने मतलब अगले महीने पिछले महीने का जो रेवेन्यू वहाँ पे देख पा रहे बैलेंस में कितना ऐड हुआ है, और लास्ट पेमेंट जो हुआ है $121 ये पेमेंट हो चुका है इनका। ठीक है, लास्ट पेमेंट भी हो चुका है क्योंकि पेमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है गाइस। अगर एडसेंस लोडिंग कर पा रहे तो अगर उनका पेमेंट नहीं है तो वो एडसेंस लोडिंग करके क्या फायदा है। ठीक है, तो सिर्फ एडसेंस लोडिंग करने से बेनिफिट नहीं होता है गाइस, क्योंकि एडसेंस से पैसा जब तक बैंक खाता में नहीं आते तब तक के लिए बैंक मतलब जब तक बैंक में नहीं आते पैसा तब तक के लिए एडसेंस लोडिंग करके कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, ये सारा जस्ट एक डिजिट या नंबर होता है गाइस। ठीक है, लेकिन सबसे पहले आपको देखना होगा कि यहाँ पे पैसा बैंक खाते में आ रहा है कि नहीं है, तो वो चीज़ अब देखना है। तो मेरा यूट्यूब चैनल में जितना सारा वीडियो है मैं यहाँ पे शेयर किया, बहुत सारा पेमेंट रिसीव शेयर किया हूँ, बहुत सारा पेमेंट लोगों का मिल रहा है वो भी मैं शेयर किया था। ठीक है, और अभी भी पेमेंट लोगों को मिल रहा है हर सेंस के अंदर सक्सेसफुली मिल रहा है गाइस, उसका प्रूफ मैं बहुत सारा दे चुका हूँ आप लोगों के इस हमारा चैनल के अंदर। तो चलिए इसका अंदर भी हमारा जो पेमेंट रिसीव हुआ है वो भी देख ही पा रहे। ठीक है, और गाइज यहाँ पे सेफ्टी का बात करते हो, यहाँ पे डिपेंड करते हैं एडसेंस लोडिंग के कौन सा प्रोसेस से कर रहा है। अगर आपका रियल ट्रैफिक हो रहा है, रियल ह्यूमन ट्रैफिक, चाहे आप कहाँ से भी ट्रैफिक लो वो रियल ह्यूमन ट्रैफिक होगा तो इस पे एडसेंस आपको पेमेंट देगा ही देगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे वही चीज देना होगा, लेकिन अगर अदरवाइज कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह कोई ऐसा कुछ सिस्टम है जिसके थ्रू अगर आप ट्रैफिक प्रोवाइड करेंगे तो वो चीज पे आपका पैसा तो बनेगा परंतु एडसेंस में उसका पेमेंट बैंक खाता में नहीं आएगा, एडसेंस कभी ना कभी आपका डिसेबल कर देंगे। सो इस चीज को बच के रहना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि मैं भी उस चीज नहीं करता हूँ और करने भी नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा जितना सारा क्लाइंट है उनको मैं बोल दिया कि भाई अगर एडसेंस लोडिंग ना करवाने तो ना कर लो। ठीक है, लेकिन कोई ऐसा कदम ना उठे कि आपका एडसेंस डिसेबल हो। ठीक है, ऐसा करना नहीं है। सो आपको सबसे पहले एडसेंस लोडिंग करने के लिए जानना होगा कि भाई प्रोसेस क्या है, प्रोसेस कौन सा प्रोसेस से काम कर रहा है। ठीक है, तो गाइस मैं अभी तक ये बोल रहा हूँ कि मेरा जो प्रोसेस है मैं वही जो प्रोसेस से कर रहा हूँ, मतलब गूगल कैंपेन के जरिए। ये एक अच्छा प्रोसेस है, गूगल एड कैंपेन और भी बहुत सारा एड नेटवर्क है जहाँ पे आप ट्रैफिक ला सकते आसानी से, कुछ पैसे इन्वेस्टमेंट करके आपसे ट्रैफिक ला सकते, बट वो जो ट्रैफिक रियल ह्यूमन ट्रैफिक होता है। और अगर थोड़ा बहुत ट्रिक्स अप्लाई कर दे तो गाइस तो आपका वहाँ पे क्या होगा, आपका जो ट्रैफिक ऑर्गेनिकली आ जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ा बहुत SEO करना होगा। SEO ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप हो सके आपका कंटेंट जो है गूगल टॉप रैंक पे नहीं जाते, लेकिन फिर भी यहाँ पे एडवांटेज है कि आप अगर कैंपेन चलाते हैं उसमें ट्रैफिक ऑर्गेनिक लाने का एक प्रोसेस रहते हैं, उसमें यूजर को मोटिवेट कर सकते हैं और मोटिवेट करके आप ऑर्गेनिकली कैसे मतलब इस कीवर्ड पर्टिकुलर कीवर्ड के जरिए ट्रैफिक आप ड्राइव कर सकते हो ऑर्गेनिकली आपका वेबसाइट के अंदर। सो वही बेनिफिट लेना है हमारा, ज़्यादातर वही सिस्टम रहते हैं। हम जो यहाँ पे एडसेंस लोडिंग की सर्विस रहता है हम ये करते कि भाई आपके पास कुछ चीज़ें मांगते हैं, जैसे कि वर्डप्रेस लॉगिन हमें देना होगा, यहाँ पे हम खुद आर्टिकल लिखेंगे SEO फ्रेंडली करके, एंड उससे क्या होगा गाइस जो ट्रैफिक आएगा ऑडियंस आएगा वो बहुत ही अच्छा होगा और वैल्यूबल ऑडियंस होगा। ठीक है, और ECPM भी हाई मिलेगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देख ही पा रहे यहाँ पे ECPM भी हमारा धीरे धीरे ECPC जो है हमारा बहुत ही अच्छा यहाँ पे जा रहा है। ठीक है, इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, और क्लिक देखें आज का डेट का क्लिक भी मिला है ऑलरेडी 23 एंड फिस सीटर देख सकते हैं, पूरा सारा चीज ही यहाँ पे कंट्रोल में। और मैं यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे जो कैंपेन चलाता हूँ उसमें जो ट्रैफिक आते हैं कहाँ से ट्रैफिक आते हैं, यहाँ पे नीचे आऊँगा एंड गाइस नीचे आते ही देख सकते हैं लास्ट 7 डेज का डेटा है एंड 2 डेज ऊपर कर देता हूँ। 2 डेज ऊपर करते ही यहाँ पे देख सकते हैं $13 जो हुआ है एस्टिमेट रेवेन्यू यूनाइटेड स्टेट से, क्योंकि मैं ज़्यादातर यूनाइटेड स्टेट्स को रेफर करता हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स से जो ट्रैफिक आते हैं बहुत ही वैल्यूबल होता है, इसका इनका क्या होता है कि CPC भी अच्छा मिलते हैं, तो वहाँ पे जितना इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे भी ज़्यादा
फायदा मिल जाते हैं। तो एडसेंस लर्निंग ऐसा ही होता है गाइस, और भी बहुत सारा प्रोसेस होता है, मैं जो प्रोसेस में करता हूँ वो आपको आप लोगों को सब डिस्प्ले कर दिया। तो गाइस अगर आप लोग चाहते कि एडसेंस लर्निंग करवाना है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए, हमारा डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर रहेगा। मैं बहुत ही चीप प्राइस में एडसेंस लर्निंग करवा देता हूँ। अगर आपको वेबसाइट बाय सेल करना है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ से हम वेबसाइट भी सेल करते हैं और उसके अलावा एडेक्स भी है, एडेक्स का भी सर्विस अवेलेबल है। तो अगर चाहिए कॉन्टैक्ट कीजिए, बहुत ही चीप प्राइस में मिलेगा, हाँ, और बहुत ही ट्रस्टेबल है, काम जेन्युइन होगा। सो आप लोग जरूर मतलब कॉन्टैक्ट कर सकते। फिलहाल आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।